नई टीम के साथ काम कर रहा हूँ, नए लोग हैं और जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए भी नया है, तो मेरे लिए ये एक बहुत नया एक्सपीरियंस है। एंड टचवुड अभी तक अच्छा है, हम लोग बहुत मस्ती करते हैं यहाँ पर। हम लोग को हमारी ये कोशिश रहती है कि जितने भी लोग खेलने आए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जीतें, क्योंकि अगर वो गलती करेंगे तो आपने देखा कि तुमने किया है तुम भुगतोगे, वैसा वाला सीन है हमारे साथ। और बहुत मस्ती करते हैं यहाँ पर, लोगों से बातें करने का स्कोप ज़्यादा है। आप स्क्रिप्ट से बाहर जा सकते हो, क्योंकि अगर किसी ने गलत जवाब दिया तो आपको पनिशमेंट मिलती है, आप उसके ऊपर कुछ बोल सकते हो। फिर जो सेलिब्स के फ़ैन उनके साथ खड़े होकर खेल रहे हैं, जो कभी कभार लोग अक्षय कुमार को देख के ऐसे बौखला जाते हैं, असली वाला ही है ना भैया, तो हमें नए रिएक्शन मिलते हैं, हमको अच्छी चीज़ें नई करने को मिलती हैं, तो फिलहाल तो बहुत मज़ा आ रहा है। जी कैसा रहा अक्षय, मतलब पूरा हाउसफुल 4 की कास्ट आई थी, कैसा रहा पूरा, मतलब उनके साथ शूटिंग के दौरान कितना फन मस्ती हुई है? बहुत फन मस्ती हुई है, कुछ फन मस्ती तो पेपर में भी पड़ी होगी आप लोगों ने। बहुत मज़ा आया, बॉबी बाजी इज ऑलवेज अमेजिंग, उनके साथ काम करके हमेशा मज़ा आता है, जब भी वो आते हैं कहीं मिलते हैं ऑलवेज स्माइलिंग, हमेशा मुंह बंद रखेंगे लेकिन स्माइल करते। रितेश इज ऑल्सो लॉट ऑफ फन। फिर उसके बाद अक्षय सर तो सब लोगों को पता है, वो जहाँ जाते हैं तहलका मचता ही मचता है। और हमारी ये खुशकिस्मती है कि हाउसफुल 4 के साथ हम अपना शो ओपन कर रहे हैं, बहुत मस्ती करी है हमने, क्रेजीनेस मैडनेस जैसे मैडलाइनर्स हैं, जैसी जैसी सजाएं हमको दी हैं वो आप लोग टीवी पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। और कमाल की बात ये थी कि ये 6 लोग जो आए थे उसमें कृति सेनन भी थी, पूरी टीम थी हाउसफुल की, पूजा हेगड़े उसके बाद करबंदा भी थी, तो इन लोगों को बहुत मज़ा आया, क्योंकि सबको लग रहा था कि यार मुझे खेलना है, क्योंकि क्या होता है 2 लोग खेल रहे होते हैं, 4 साइड पे बैठे हैं, इधर से सवाल पूछा तो सबके अंदर कीड़ा है ना वो बॉलीवुड वाला, तो उनको होता है मुझे पता है, तो इशारे करके जवाब देने, हमको रोकना पड़ता है कि अरे मत करो यार वो लोग पैसे जीत रहे हैं, इट्स अ सीरियस गेम से उनको पैसे जीतने दो। उधर से एक सवाल आता था कि अच्छा बताइए उस फिल्म में कौन सा गाना था, तो इधर से फिर लोग खड़े होकर इशारे अपना डमचरा चालू कर देते हैं। ये जो आप लोग के साथ हमने एक राउंड खेला था वो कानों पे हेडफोन लगा के, तो मैं नाचूंगा मुझे हुक स्टेप आते नहीं, लेकिन पीछे से पूजा हेगड़े को सारे हुक स्टेप आते हैं, तो वो कर के बता रही इधर देखो, तो सब लोगों में एक एक्साइटमेंट रहता है कि यार नई चीज़ है और करने को मिलेगी, तो बहुत मज़ा आया है। एंड आई होप कि जितना मज़ा हमें शूट करके आया है वही हम लोग टीवी पे ट्रांसफॉर्म कर पाएँ और ऑडियंस को भी उतने मज़ा आए। मैंने कहा बाद में बात करना है, मैं अभी स्टंट में हूँ। मैं यहाँ पे नीदा में बुल्गारिया में था, पहला रिएक्शन यही था कि चलो मुंबई जाके घर नहीं बैठना पड़ेगा, जाते काम करेंगे, तो स्टाफ भी खुश हो जाता कि चलो ठीक है अभी ब्रेक नहीं है। दूसरा रिएक्शन मेरा ये था, मैं थोड़ा कंसर्न था कि यार कैसे करेंगे नए लोगों के साथ काम, कैसी टीम रहेगी, बट टचवुड यहाँ पर आकर जैसे जैसे शो बनता जा रहा है चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। और जी के साथ मेरा ये पहला शो है, मैंने कभी जी के साथ आज से पहले काम किया नहीं, NTV पे किया है लेकिन जी TV पे नहीं किया, इस टीम के साथ कभी काम नहीं किया इससे पहले, तो ये मेरे लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, बड़ा मज़ा मुझे लगा हम लोग करेंगे और वही हम लोग कर रहे हैं। हालांकि चोटें लग रही हैं लोगों को, पता नहीं क्यों आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, हर शो पे लोगों को चोटें लग रही हैं, किसी भी सेट पे चले जाओ तो, बट मज़ा बहुत आ रहा है क्योंकि इन लोगों के साथ पहले कभी काम किया नहीं है, तो रिएक्शन ये था कि नई टीम है कुछ नया ट्राई करते हैं, और जब तक आप नया ट्राई करोगे नहीं तब तक आप अपनी डायमेंशंस बढ़ा नहीं सकते, तो मज़ा आ रहा है फिलहाल। मनीष पॉल के साथ कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है, उनके साथ शूटिंग हो रही है काफ़ी, मतलब फन लविंग बनने हैं वो? मनीष के साथ ऑलरेडी काम किया हुआ है मैंने, जब एंटरटेनमेंट की रात में करता था तो मनीष 2 बार मेरे शो पे गेस्ट आया था और दोनों बार फाइनल एपिसोड में, तो मैंने बोला था तू हर बार मेरा शो बंद करा नहीं आता क्या मेरे शो पे, तो काफ़ी फन लविंग है, काफ़ी विटी है, काफ़ी स्पॉन्टेनियस है, सबको पता है 1 ऑफ द बेस्ट एंकर इंडियन टेलीविजन पे है जो, और बड़ा मज़ा आता है जब हम आपस में बैंटर करते हैं, जब वो लोगों को सवाल पूछ रहा था सडनली दिमाग में आता है चलो तुमसे तुम्हारी फिल्म का एक सवाल पूछा जाता है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। एंड पहले भी काम किया है मनीष के साथ, तो इट्स ऑलवेज गुड जब आप हसमुख लोगों के साथ फिर से काम करते हो, और हम लोग एक जैसे ही लोग हैं, जो भी मुंह में आता है बोल देते हैं, एडिट कट जाता है तो फिल्टर हो गया आपके पास पहुंचता है तो हम बच जाते हैं, बट अमेजिंग बहुत मज़ा आ रहा है नई टीम के साथ। तो यहाँ पे भी आपने काफ़ी मस्ती की और दूसरे शो में भी काफ़ी मस्ती की, फाइनलिस्ट बन चुके हैं आप,
सर उसके लिए अलग से इंटरव्यू करना पड़ेगा, मैंने अभी पहले भी बोला ये जी का शो है और मस्ती तो पूरा सबके साथ मस्ती करी वहाँ पे, करण करिश्मा धर्मेश भाई थे, तेजस्वी थी, मस्ती आप लोगों को लग रही, एक्चुअली हम लोग दिमागी तौर पे अपना संतुलन खो बैठे थे वहाँ जाके, जो जो हमको करने को मिल रहा था ये चॉपर पे लटका देते थे, चलो पानी में कूदो, तैरना आता नहीं है, गले में सांप डाल देते थे और पता नहीं जो 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 भी आपको टीवी पे देख के लगता है कि अरे ये तो हो सकता था, बिलीव मी वो बहुत मुश्किल है, हम लोग पागल हो गए थे दिमागी तौर पर, हम लोग ऐसे ही हंसते रहते थे, रात को लेट सोना सुबह जल्दी उठना, बहुत मज़ा आया। एक अलग से इंटरव्यू करेंगे उसके लिए जब उसका प्रोमो लॉन्च होगा, फिलहाल मैं जी टी वी पे काम करने आया हूँ, कृपया करके अगर कुछ बोलूँगा मेरी पेमेंट लेट हो जाएगी और EMI देनी होती है हमने, तो फिलहाल इसी शो की बात करते हैं, बट उधर के लिए एक अलग से इंटरव्यू करेंगे आपके साथ। नहीं, कितने पागल हो गए कि बाल वाल वाइट करा बताओ, देखो ये बात है कि बट बड़ा मुश्किल शो है, आप कभी करिएगा, बहुत सारी बातें उसके बारे में बताने के लिए। थैंक यू सो मच। आपने कहा बहुत करिए, लेकिन बहुत टाइम बाद एक गेम शो होस्ट करने का मौका मिल रहा है, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ओके, व्हेन एंड हाउ इट कम्स टू कि ऐसा कुछ शो होना चाहिए, मेरे नाम का कोई शो होना चाहिए? नहीं, मैंने एक्चुअली कभी ये नहीं सोचा कि मेरे नाम का शो होना चाहिए, मेरा फंडा वो नहीं होता, मेरा फंडा क्लियर था कि एंटरटेनिंग शो होना चाहिए, ये तो चैनल का बड़प्पन है, उन्होंने कहा चलो यार मनीष आपके नाम पर शो बनाते हैं, सो ऑब्वियसली फील्स गुड। बट हाँ, मज़ेदार बात ये थी कि मैंने बहुत से रियलिटी शोज़ किए हैं, बड़े टाइम से रियलिटी शोज़ करा था, और ये एक ऐसा गेम शो है जिसमें बॉलीवुड क्वेश्चन लोगों का जाना जाएगा, और खुद बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ शो में आ रहे हैं और उनसे उन्हीं की फिल्मों के सवाल हो रहे हैं, उनके साथ कुछ गेम्स हो रही हैं, खूब मस्ती हो रही है, सो हाँ वो थोड़ी अलग चीज़ है शो। ओके, हम सेट भी देख रहे हैं, काफ़ी आइकॉनिक सब दिख रहा है यहाँ पे, जितना भी बनाया है आपने, जो फर्स्ट टाइम सेट देखा था तो आपको लगा था ये मेरे गेम के लिए परफेक्ट बना हुआ है? बिल्कुल परफेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे सब कुछ बॉलीवुड होने वाला है, तो जब मैं सेट पे भी आया मैंने सब कुछ बॉलीवुड देखा, मैंने कहा यार ये परफेक्ट एंगल है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पॉपकॉर्न्स भी रखे गए हैं, तो अब मूवी देखते हैं तो पॉपकॉर्न खाते हैं, तो ऐसे बड़ी सारे एलिमेंट्स डाले गए हैं, विच इज़ अमेजिंग। ओके, आपने हाल ही में ट्रेलर लॉन्च करवाया था हाउसफुल 4 का, और मतलब पहले वही है हाउसफुल 4 की कास्ट है जो ग्रेस करने वाली है आपके शो को, क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा एक्सपीरियंस वाइल शूटिंग में? ये तो कमाल रहा, उन्होंने मेरे शो का लॉन्च किया, मैंने उनका ट्रेलर लॉन्च किया, सो नहीं यार अक्षय पाजी जो हैं, आई लव हिम, बिग रिस्पेक्ट फॉर हिम, मैंने बड़ा भाई मानता हूँ, और जब ये शो आया था और मेरी बात चल रही थी तो मैंने कहा अक्षय पाजी से बात करते हैं, सो आई कॉल्ड हिम एंड ही वॉज ग्रेसफुल इनफ, उन्होंने कहा बिल्कुल मनीष तेरा शो है, हम लोग आएंगे, और मैं अकेला नहीं, मैं सबको लेके आऊँगा, तो वो बहुत मज़ेदार था। सो इट वॉज नॉट जस्ट कि वो फिल्म प्रमोट करने आए, वो तो एज फैमिली आए थे सारे, एंड खूब इन्जॉय करके गए हैं, खूब मस्ती करके गए हैं, सो फील्स वेरी गुड। मनीष, आप जानना चाहेंगे जिस तरह आप क्वेश्चंस यू नो करते हो, अभी हमने देखा बॉलीवुड के रिगार्डिंग आपने क्वेश्चन किए, तो कभी ऐसे हुआ कि आपको वो क्वेश्चन नहीं पता रहता है? हाँ बिल्कुल यार, होता है, मतलब मेरी नॉलेज है ठीक ठाक है, लेकिन कई सवाल हैं जो मुझे भी नहीं पता होते हैं, कई सारी चीज़ें, अक्षय कुमार का कितनी फिल्मों में नाम खिलाड़ी रहा है, मतलब कितनी फिल्में हैं टाइटल जिसमें खिलाड़ी रहा, तो मुझे भी, मैंने कहा यार कितना है, मेरे को 6 याद आ रहा था बट एक्चुअल में 8 है, तो वो सारी चीज़ें मुझे भी पढ़ के बड़ा मज़ा आ रहा है, मैंने हाँ यार ये तो अलग ही एक चीज़ है, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे भी सीखने को मिल गई। यार मैं सारी पूरी इंडियन क्रिकेट टीम को चाहूँगा कि आए मेरे, हमारे शो में कोई ऐसा फंडा नहीं कि एक आए और दो ना आए, सब आए, इट्स मेरा शो नहीं सबका शो है यार, जिसको लगता है कि वो बॉलीवुड को जानता है वो आए, विल बी मोर देन हैप्पी टू होस्ट देम, और बिल्कुल विराट से भी मैं बात करूँगा, एंड अगर विराट आ पाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ओके मनीष, लास्टली मतलब रवीना और आपकी केमिस्ट्री तो नजबलिए में देखते हैं, वो इस शो में भी आई थी, कभी आप उनका मेकअप कर रहे हैं, कभी छोटी सी फाइट चल रही है, इस शो में कैसा रहा रवीना के साथ? बहुत अच्छा रहा यार रवीना के साथ, मुझे नच में भी बहुत मज़ा आ रहा है, हालांकि पता नहीं क्या अफवाहें उड़ रही थी, चलो ठीक है जिसको जो लिखना लिखें, बाकी ऐसा है हम लोग वी आर वेरी क्लोज यार, चाहे वो रवीना मैम हो चाहे अहमद सर हो, तो आपस में हम लोग बहुत मस्ती करते रहते हैं, सो टांग खिंचाई भी चलती है, बट आई थिंक रवीना यहाँ पे भी आई थी एंड आई वाज वेरी हैप्पी उन्होंने शो में आने को हाँ कहा, थैंकफुल टू हर, एंड बहुत मज़ा आया एंड बहुत इन्जॉय किया। पता नहीं यार, मैं मुझे नहीं पता, बिकॉज हमारी कंट्रोवर्सी तो बिल्कुल ही बेबुनियाद थी, बहुत ही फालतू छापा गया था,
क्योंकि मेरी आज तक टचवुड किसी से ऐसी बहस और लड़ाई नहीं हुई यार, और हम तो मज़े करते हैं, हम इन्जॉय करते हैं, और रवीना मैम खुद ही ऐसी नहीं है कि लड़ें, वो खुद खूब मज़ा करते हैं, इन्जॉय करती हैं, बल्कि शी इज़ अ वंडरफुल जज, एंड अहमद सर भी, इनफैक्ट वो पर्सनल हो जाते हैं, चैनल से भिड़ जाते हैं अगर उन्हें लगता है कुछ गलत हो रहा है, तो आई थिंक वो ऐसे लोग हैं ही नहीं कि कुछ गलत करें, सो आई थिंक हम तो खूब इन्जॉय कर रहे हैं शो में यार, एंड वी हैविंग अ ग्रेट टाइम, थैंक यू। देखिए आज जो स्टेज पे आपके सामने हमने किया, ट्रस्ट मी इट इज़ जस्ट 10%। जब आप एक्चुअल शो देखोगे 5 तारीख को जो हमने अब तक शूट किया है, और जो शूट किया है उस बेसिस पे जो इतना कहते हैं ना कि हमको इतना पॉजिटिव लग रहा है, आई एम श्योर बहुत ही एंटरटेनिंग शो ऑडियंस को देखने के लिए मिलेगा ये, एंड एवरीथिंग अबाउट द शो इज़ गॉट टू डू विद बॉलीवुड फिल्म्स, बॉलीवुड की फिल्म्स जितने भी जो बने हैं, जिसको हम बॉलीवुड बफ्स कहते हैं, एक होते हैं ना कि फिल्मी कीड़ा, जो सिर्फ फिल्म 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 फ्राइडे फर्स्ट शो जो जैसे होते हैं, वैसा ये इसमें जो हम थोड़ा बहुत जो मैड लाइन्स है, हम लोग हमारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, एक कॉमेडी का जो तड़का हम लेकर आ रहे हैं वो भी फिल्मी है, गेम्स क्विज वो भी फिल्मी है, पनिशमेंट भी फिल्मी है, तो फिल्मी 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 बिल्कुल है, एंड फर्स्ट टाइम जितने हमारे जो सेलिब्रिटीज़ है वो एक कॉमेडी बफ के साथ पेयरिंग करके दो टीम्स बन के सेलिब्रिटी को आप कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में देखेंगे, फर्स्ट टाइम वो एक क्विज खेलते हुए देखेंगे, एंड इट्स रियली फनी क्योंकि इतने बड़े स्टार्स हैं उनको भी कभी कुछ को तो उनके खुद के जो इतने फिल्म थे वो भी याद नहीं था कि उन्होंने कौन से में क्या किया था, तो इतना उन्होंने इतनी फिल्में इतने सालों में उन्होंने किया है कि कुछ कुछ बातें उनको याद नहीं थी, तो इट्स वेरी एंटरटेनिंग। मुझे अगर आप नहीं पूछने वाली कुछ तो अभी मैं बोलूँगी 9 out of 10, पूछना नहीं कुछ नहीं, पर मुझे है फ्रैंकली, मैं मुझे ब्लैक एंड वाइट का बहुत शौक है, मैं वो उस एरा के जितने फिल्म्स थे ना, मैं मुझे बहुत अच्छे लगते थे देखने के लिए, बहुत मज़ा आता देखने के लिए, इनफैक्ट मेरे पास वो एरा के बहुत सारे कलेक्शंस हैं जो शायद आई एम नॉट श्योर हो सकता है बहुतों के पास नहीं होगा, क्योंकि वो वहाँ से कुछ कुछ कैरेक्टर्स बहुत रियल कैरेक्टर्स होते थे उस वक्त, तो मुझे बहुत शौक है पुरानी फिल्म्स देखने का। ये तो इस कैरेक्टर के अंदर तो अभी बोलते ना कि क्योंकि सिनेमा है, सिनेमा की माँ है ये बिल्कुल, तो ऐसे लग रहा है कि बहुत बड़ा एरिया कवर हो गया, एंड एक्चुअली सिनेमा से रिलेटेड जितनी भी चीज़ होती है ना, जैसे ये माँ है, खुद भी एक्टर बनना चाहती थी, उसको भी वो भी कीड़ा है, प्लस जो सेलिब्रिटी आ रहे हैं उससे कुछ ना कुछ ट्रिविया लेकर के हम इसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो एरिया बढ़ गया है एंटरटेनमेंट का, इसमें गेम्स है, पनिशमेंट है, पनिशमेंट राउंड देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, सो एक्साइटिंग एक्साइटेड। मुझे नहीं पता सर, लेकिन मैं जो अभी फ़िलहाल जिस जगह हूँ, जिस पोजीशन में हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ सर, मैं ये अपना नाम का शो या ऐसा कोई रेस बोलते हैं ना, नंबर वन बनना या ये सब में मैं कभी था ही नहीं, ना था ना रहूँगा कभी, इनफैक्ट 85 से लेकर के अभी 2019 तक ऑलमोस्ट 35-36 साल यही नाम लेकर के चल रहा हूँ, अली असगर, तो आई थिंक मेरे लिए काफ़ी है, एंड ऐसे ही चलते रहे, आई एम टू हैप्पी, एक आलू बन कर के रहना, तो आलू पूरी में भी जाता है, आलू पालक में भी जाता है, आलू यू नो
सब में मिल जाता है. तो आई एम क्वाइट हैप्पी डूइंग व्हाट आई एम डूइंग. कॉम्प्लीमेंट तो सभी देते हैं. सी ये हम चाहे जो पहले का शो था जिसके साथ मैं जुड़ा था, अभी शो है, जो फॉर्मेट के शोज हम करते हैं ना उसमें हमारे सेलिब्रिटीज़ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. वी आर नथिंग विदाउट देम. ओके. एंड हर शो के मुकाबले में इस शो में सेलिब्रिटी का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है. सेलिब्रिटी का कंट्रीब्यूशन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ ये चार राउंड के जो हमारे उसमें वो कंपटीशन में है, प्लस हमारे साथ जो इंटरेक्शन कर रहे हैं. अभी हाउसफुल के अंदर जो हमारा लास्ट राउंड है उसमें रितेश सर ने और कृति करवंदा मैम ने जो गेम खेला है, आई एम श्योर आज तक टेलीविजन पे किसी सेलिब्रिटी ने इतनी मेहनत वाली गेम किसी ने खेला होगा. वो बाकायदा वो एक बोलते ना रेनकोट पहन के एक वो साबुन पानी के उसमें ऐसे स्लिप होकर के जाना है और डिब्बे को चेंज करना है, उसके अंदर क्लू है वो लेकर के आना है. बाय द टाइम उनका राउंड ख़त्म हुआ रितेश सर ऐसे हाफ रहे थे. तो मतलब हेड्स ऑफ टू देम द एंटायर टीम. और अक्षय सर जहाँ जाते हैं वो शो उनका हो जाता है. एंड आई रियली लव वर्किंग जब अक्षय सर आते हैं ना, क्योंकि वो इतना आपको इनक्रेज करते हैं. सलमान सर को हंसाने में जो खुशी मिलती है ना, ऐसा होता है कि बस मेरा काम हो गया. तो ये सेलिब्रिटीज़ का बड़प्पन है, इतने बड़े स्टार्स है ये आकर के हमको इनक्रेज भी करते हैं. उनका आना मतलब दे लव अस, फिर अभी तो कॉमन मैन के साथ भी एक जोड़ी आपने उसमें देखा, ये बोलता नहीं है, इसको कौन लाया. ही इज़ मतलब नॉन स्टॉप उनका वो चलता रहता है. सो अ बिग बिग थैंक यू टू ऑल द सेलिब्रिटीज ऑफ आवर इंडस्ट्री. आप बुलाना चाहेंगे अगर एक एक्ट्रेस बॉलीवुड में, अगर अमिताभ बच्चन जी को अगर मैं बात करूँ क्या उन्हें आप बुलाना? सर अमित सर बच्चन साहब अगर आ जाए तो उससे बड़ा मतलब कौन नहीं चाहता है सर, कौन नहीं चाहता है कि बच्चन साहब आए शो में. बट लेट्स होप, अभी तो बोलते ना सर, अभी तो वी हैव जस्ट स्टार्टेड, इंशाल्लाह वी माइट हैव बच्चन साहब ऑल्सो. वो बहुत मज़ा है और वो वेरी फ्रैंकली आई थिंक डिफरेंट भी है क्योंकि रेपिटेटिव नहीं है. वो एक शो में जो सज़ा है वो नेक्स्ट एपिसोड में डिफरेंट सज़ा है और उसका लेवल बढ़ता जाता है. वो राइट फ्रॉम अभी जो आपने वो देखा वो स्टैटिक है, वो एक अलग लेवल के सारा वो है जो आई एम श्योर बच्चों से लेकर के हर जनरेशन को बहुत अच्छा लगेगा देखने के लिए. सो एंड मोस्ट ऑफ द टाइम सज़ा मुझे ही मिल रही है. तो नहीं, मैं नच बलिए का कभी पार्ट नहीं था. हम लोग मैं ज़रा नच के दिखा का हिस्सा था. मैं नहीं देख रहा मैम, मैं मतलब नॉट एक दो कुछ एपिसोड्स देखे रहेंगे बीच में, पर कंटिन्यू नहीं देख रहा हूँ मैं. हाँ मेरे बच्चों सबको कह रही हूँ मैं, गुड़िया गुड्डी उर्फ सिनेमा, आप सबको मैं इनवाइट करती हूँ 5 अक्टूबर को सैटरडे संडे, 5 अक्टूबर से सैटरडे संडे रात 9:30 बजे जी टीवी पर ज़रूर आना मुझे देखने के लिए. मैं, हमारे सेलिब्रिटीज़, हमारे कॉमन मैन और मनीष पॉल, हम सब